पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 25,000। तो भाई अगर आपको एक पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए 25,000 अगर आपका बजट है, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं नॉन चाइनीज स्मार्टफोन से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन चाइनीज स्मार्टफोन की, मतलब बात करते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन्स की। तो भाई अगर आपका बजट 25,000 है, 25,000 से अगर आपका बजट कम है, तो इस प्राइस रेंज में मैंने यार दो स्मार्टफोन रखे हैं सैमसंग की ओर से। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M51 की एंड मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी F62 की। ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा सही है, लेकिन अगर डिज़ाइन लुक या कलर्स वाइज देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M51 का डिज़ाइन कलर लुक वगैरह ज़्यादा सही है एज कंपेरिजन किया जाए सैमसंग गैलेक्सी F62 से। ठीक है, इनमें प्रोसेसर दोनों में आपको तगड़ा देखने को मिल जाता है, बैटरी लाइफ आपको 7000 mAh की दोनों में मिल जाएगी, मतलब आपके दो दिन तो नॉर्मली निकल जाएंगे। सॉरी, जितनी भी आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कुछ भी करना चाहते हो, आप नॉर्मली इजीली कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी दोनों की अपर देखने को मिल जाती है एंड ये 25,000 से नीचे दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख लेना, अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी F62 सही लगता है भी आप उसके और जा सकते हो, अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 सही लगता है आप इस स्मार्टफोन की और भी जा सकते हो। लेकिन अगर मेरा बजट 25,000 से नीचे होता एंड मुझे नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए होता तो भाई मैं जाता सैमसंग गैलेक्सी M51 की, बिकॉज उसका कलर, उसका डिज़ाइन एंड उसका लुक वगैरह एक प्रीमियम टच देता है एज कंपेरिजन किया जाए सैमसंग गैलेक्सी F62 से। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि डिज़ाइन लुक जो है वो सैमसंग गैलेक्सी M51 का ज़्यादा अपर आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, अगर आपने सिर्फ देखना है तो देख भी सकते हो, बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो चेकआउट कर लेना। आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ, नंबर 4 पे यार मैंने रखे MI की ओर से स्मार्टफोन। तो भाई अगर आपका बजट 25,000 से कम है, आपको MI की ओर से स्मार्टफोन चाहिए, इस प्राइस रेंज में मैंने दो स्मार्टफोन रखे हैं, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ MI 10i की एंड मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 10 Pro Max की। अगर मैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की बात करूँ, दोनों में आपको 120 रिफ्रेशर के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो MI 10i है वो आपको 5G देखने को मिलता है, लेकिन जो Redmi Note 10 Pro Max है वो आपको 5G नहीं देखने को मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, प्रोसेसर दोनों में तगड़ा मिल जाता है, स्नैपड्रैगन की ओर से आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, दोनों ही 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है आप इजीली नॉर्मली दोनों स्मार्टफोन पे कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी दोनों की बहुत ही ज़्यादा अपर है, कोर कैमरा सेटअप दोनों में देखने को मिल जाता है, लेकिन Redmi Note 10 Pro Max जो है वो डस्ट प्रूफ है, उसमें आपको IP53 रेटिंग देखने को मिल जाती है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, जो कि सच में एक प्लस पॉइंट आ जाता है। प्लस Redmi Note 10 Pro Max जो है वो सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जो MI 10i है वो IPS LCD के साथ देखने को मिलता है। तो ये इनका कंपैरिजन है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो MI 10i जो है वो आपको 5G देखने को मिल जाता है, लेकिन जो Redmi Note 10 Pro Max है वो आपको 5G तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन उसमें आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, IP53 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो उसकी कुछ अपनी खासियत है एंड MI 10i की कुछ अपनी खासियत है, मतलब 5G स्मार्टफोन चाहिए तो MI 10i आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। अगर आपको 5G से फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता, आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए, IP53 रेटिंग चाहिए, तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है Redmi Note 10 Pro Max, आप जा सकते हो। दोनों का डिज़ाइन कलर लुक वगैरह बहुत ही ज़्यादा अपर है, तो आप देख लेना, लिंक दोनों के दिए हुए हैं, जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता है या जो भी आपको डिज़ाइन लुक वाइज अच्छा लगता है आप उसके और जा सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ, यार नंबर 3 पर रखे हैं मैंने रियलमी की ओर से स्मार्टफोन। तो इस प्राइस रेंज में मैंने फिर से रखे हैं यार दो स्मार्टफोन जो कि रियलमी से आते हैं, अंडर 25,000 आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ रियलमी X7 की एंड मैं बात कर रहा हूँ रियलमी X3 सुपर जूम की। ये दोनों स्मार्टफोन आपको बहुत ही ज़्यादा अपर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रियलमी X7 जो है वो आपको 5G देखने को मिलता है, लेकिन रियलमी X3 जो है वो आपको 5G नहीं देखने को मिलता है। रियलमी X7 में आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि आपको Realme X3 में IPS LCD देखने को मिलेगी, जो कि 120 रिफ्रेशर के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर दोनों में तगड़ा है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। जो Realme X3 सुपर जूम है उसमें आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो भी अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है आप इजिली नॉर्मली कर सकते हो, आपको कोर कैमरा सेटअप दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाता है, प्लस आपको 32MP की सेल्फी दोनों में देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको फ्रंट कैमरे में 4K ऑप्शन दोनों में नहीं देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ 4000mAh की पर ही थोड़ी सी देखने को मिलेगी दोनों स्मार्टफोन्स में, तो ज़्यादा डिफरेंस वगैरह नहीं है। ज़्यादा डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि जो रियलमी X7 है वो आपको 5G देखने को मिल जाता है एंड आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, प्लस नया लॉन्च हुआ है, डिज़ाइन लुक वगैरह बहुत प्यारी है। तो भाई अगर आपका बजट 25,000 से कम है, आपको रियलमी का ही स्मार्टफोन चाहिए, तो आप देख लेना, अगर आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर चाहिए आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है रियलमी X3 सुपर जूम, प्लस उसका कैमरा भी बहुत ज़्यादा सही है। अगर आपको एक नया फ़ोन चाहिए रियलमी की ओर से एंड 5G स्मार्टफोन चाहिए, AMOLED डिस्प्ले चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है रियलमी X7।
आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, या फिर अगर आप रियलमी X3 सुपर जूम की ओर जाना चाहते हो आप उसकी ओर भी जा सकते हो। तो दोनों के बाइंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर आप चेकआउट करना है चेकआउट कर सकते हो, बाय करना चाहते हो बाय भी करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई, जैसे दिल करता है आप कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पे यार मैंने रखा है वीवो V20 को। तो सबसे पहले बता दूं भाई, अगर आपको एक कैमरे के अकॉर्डिंग लाइक स्मार्टफोन चाहिए, व्लॉगिंग करना चाहते हो, यूट्यूब वीडियोस करना चाहते हो, रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, अच्छी फोटोज लेनी है, अच्छी सेल्फीज लेनी है, तो आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है वीवो V20। तो आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, स्लिम एंड स्टाइलिश डिजाइन तो मिल जाता है, प्लस इसके कलर वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्यारे देखने को मिलते हैं। रेनबो शेड में एक आपको कलर देखने को मिलेगा, अगर आप लेना चाहते तो भाई वो ले लेना। माइनस पॉइंट की बात करूं, आपको 5G स्मार्टफोन तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सही है। प्लस इसके कैमरा एप्लीकेशन में आपको ऐसे कई फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपकी फोटोज को, आपकी सेल्फीज को, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। तो आप देख लेना, अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, वीवो V20 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करो, नंबर वन पर यार मैंने फिर से रखे हैं दो स्मार्टफोन। अगर आपको डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए, कलर वगैरह भी आपको मैटर करते हैं, उसके साथ साथ आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर चाहिए, हार्डकोर गेमिंग करनी है, हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कैमरा भी अच्छा चाहिए, डिज़ाइन लुक वगैरह भी अपर चाहिए, आपके लिए ये दोनों स्मार्टफोन भी बहुत ही ज़्यादा सही होने वाले हैं। मैं बात करूँ IQ003 की एंड मैं बात करूँ LG G8X की, ये दोनों स्मार्टफोन आपको बहुत ही ज़्यादा सही लगने वाले हैं, मतलब आपको पसंद आएंगे यार, अगर आपका बजट 25,000 है। तो सबसे पहले बात करते हैं IQ003 की। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले आपको 5G स्मार्टफोन मिल जाता है, सुपर एमोलेड HDR10+ देखने को मिलेगी डिस्प्ले, जो कि गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। 3 कलर्स में ये स्मार्टफोन आता है, लेकिन ऑरेंज कलर में ये बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। तो आप देख लेना, अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना आप जा सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर वन पर आता है यार LG G8X। अगर इस स्मार्टफोन की बात करो, आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 25,000 के बजट रेंज में आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। पहले इसका प्राइस 30,000 था, 30,000 के बजट रेंज में मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस और भी कम हो गया, आपको 25,000 के बजट रेंज में देखने को मिल जाता है। फोन जो है वो 360 डिग्री पूरा ऊपर हो जाता है, सेल्फी वगैरह बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। अगर आप सेल्फी लेने के ज़्यादा शौकीन हो आपके लिए तो परफेक्ट डील होने वाली है। स्नैपड्रैगन 855+ आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही तगड़ा, हार्डकोर गेमिंग करनी है इजिली नॉर्मली कर सकते हो, 6GB रैम के साथ देखने को मिल जाएगा। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऊपर आपको मिल जाती है, बिकॉज आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके स्पेसिफिकेशन बहुत है, आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिल जाती है, मतलब वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है यार ये। तो मतलब यार इतने प्राइस रेंज में, मतलब 25,000 के बजट रेंज में आपको एक वाटरप्रूफ स्मार्टफोन मिल जाना, IP68 रेटिंग मिल जाना, डुअल डिस्प्ले मिल जाना, अच्छी सेल्फी, अच्छा प्रोसेसर, तगड़ा प्रोसेसर मिल जाना, वो चीज़ सच में मैटर करती है। तो भाई अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, सेल्फी के लिए चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए, प्लस भाई अगर आपको वाटरप्रूफ स्मार्टफोन चाहिए, LG G8X आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, अगर आपने चेकआउट करना है आप चेकआउट कर सकते हो, अगर आपने परचेज करना है आप परचेज भी कर सकते हो 25,000 के बजट रेंज में। तो यार अभी मैंने आपको इतने स्मार्टफोन बता दिए, सैमसंग के स्मार्टफोन भी बता दिए, MI के भी बता दिए, रियलमी के भी बता दिए, वीवो भी बता दिया, उसके बाद भी मैंने आपको IQ3 भी बता दिया, LG का स्मार्टफोन भी बता दिया। इनमें से जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, नॉर्मली इजीली ले सकते हो, सभी के बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, अगर आपने डीपली कोई भी चेकआउट करना है, स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। अभी यार मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कल फॉलो लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो के साथ, थैंक यू।